Assalamu alaikum, Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically TRG, Netsol and Girard Cement. Let's start. First of all, we are going to discuss TRG. Currently, TRG ko on the shorter time frame, agar hum dekhen, to price ek sharply upside move ke baad jo hai, kuch sideways behavior ke saath move kar rahi hai. Aur previously, jo top tha, प्राइस ऑलमोस्ट उस टॉप से एक रिजेक्शन लेने के बाद साइडवेज बिहेवियर में मूव कर रही है. लोअर साइड पे अगर प्राइस 87.85 से अबव रहती है तो अपसाइड हम मोस्ट लाइकली मूव होता हुआ देखेंगे प्राइस को टुवर्ड्स दी 92.85 का एरिया, और यहां से अबव कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को एक्सटेंड करेगी अपवर्ड 94.51 का लेवल, और उसके बाद 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 95.69 का लेवल, और इससे अबव कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स दी 100.35 एंड 103.95 एंड फाइनली 200 सिंपल मूविंग एवरेज 105. फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो अगर ये सिनेरियो क्रिएट करता है एक एक्सपेंडिंग फ्लैट टाइप, तो यहाँ से प्राइस अगर लोअर साइड पे ब्रेक करती है 87.85 से बिलो, कंसोलिडेशन विल ट्रैक द प्राइस टुवर्ड्स द रिसेंट लो अराउंड द 85 रुपी, और इस लेवल से बिलो प्राइस अगर फर्दर कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन फर्दर एक्सटेंडेड लॉसेस की तरफ प्राइस मूव करना शुरू करेगी. लोअर साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल 87.85 देन 85 रुपी, और यहाँ से बिलो कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन करती हुई जो है लोअर साइड पे मूव करेगी टुवर्ड्स द 80.25. करंटली हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो इस सिनेरियो में नज़र आती है, जो कि ये एक साइडवेज बिहेवियर का सिनेरियो क्रिएट किया प्राइस ने, तो मोस्ट लाइकली प्राइस अपसाइड मूव करे. बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 87.85 और कंजर्वेटिव स्टॉप आउट लेवल जो है. हाई प्रोबेबिलिटी मूव इज इंडिकेटिंग विद साइडवेज बिहेवियर की प्राइस अपसाइड मूव कर सकती है, और 87.85 का लेवल जो है ये एक स्टॉप आउट लेवल, एग्रेसिव स्टॉप आउट लेवल, और 85 रुपी का स्टॉप आउट लेवल कंजर्वेटिव स्टॉप आउट लेवल है. तो मोस्ट लाइकली 85 के स्टॉप के साथ जो है बाइंग वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है फॉर द अपसाइड मूव टूवर्ड्स द 105 एरिया. नेक्स्ट स्टॉक है जी नेटसोल टेक्नोलॉजीज. नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ करंटली जो है एक अपनी असेंडिंग ट्रेंड लाइन पे मूव कर रही है, और प्राइस जो है मोस्ट लाइकली के एक कम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर रही है, और मोस्ट लाइकली प्राइस जो है इस लेवल पे जो है एक फेक ब्रेकआउट देने के बाद अगर प्राइस रिवर्ट होती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन एक्सटेंडेड गेंस हम देख सकते हैं टुवर्ड्स द रिसेंट टॉप. करंटली प्राइस इज हेडिंग टुवर्ड्स द इट्स असेंडिंग ट्रेंड लाइन, तो साइडलाइन रहना चाहिए. प्राइस में करंटली मूवमेंट जो है वो इंडिकेट करती है अगर थोड़ा स्लाइटली ड्रॉप देख सकती है प्राइस टुवर्ड्स द 77.50. इस जोन में जो है बाय को अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया जा सकता है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 75.65 लेवल. इस लेवल से स्टॉप आउट लेवल जो है वो रख के बाय किया जा सकता है, और यहाँ से शार्पली अपसाइड मूव विद द स्लाइटली कंसोलिडेशन विल एक्सटेंड द अपसाइड मूव. और अपसाइड पे जो है रेजिस्टेंसेस इनिशियली 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 82.15 का लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, और 83.440 का लेवल, 85.15 एंड देन 86.59 एंड 88.80 का लेवल ये अपसाइड पे रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं. इस एरिया पे कंसोलिडेशन करने के बाद फर्दर प्राइस एक्सटेंड कर सकती है टुवर्ड्स द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज एंड देन 88.80 एंड 90.53. तो करंटली वेट करना चाहिए, स्लाइटली प्राइस अगर ट्रैक करती है टुवर्ड्स द 78 लेवल और वहाँ से पुल बैक पे जो है बाय की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया जा सकता है. और लोअर साइड फ्लिप साइड पे अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है लोअर साइड पे 77.50 से बिलो, देन फर्दर हम प्राइस में ट्रैक ड्रॉप होता हुआ देखेंगे टुवर्ड्स द 75.69 एंड 73.90 एंड 71.85 का एरिया.
अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। हाई प्रोबेबिलिटी मूव इज सजेस्टिंग कितना स्लाइटली वेट करना चाहिए और लोअर साइड पे 78-77 के जोन में जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट स्टॉक है चिराट सीमेंट, और चिराट सीमेंट को जैसा हम प्राइस स्ट्रक्चर में देखें तो चिराट सीमेंट जो है एक अपनी अपसेंडिंग चैनल में मूव कर रहा है और मोस्ट लाइकली प्राइस में कुछ ड्रॉप जो है वो फेस कर सकती है प्राइस ऑन द ब्रॉडर व्यू। और करंटली अगर हम प्राइस को प्राइस चार्ट को जो है वो जूम आउट करके देखते हैं तो प्राइस इज़ मूविंग विद अ साइडवेज बिहेवियर आफ्टर द शार्प ड्रॉप, और ये सारा जो है मोस्ट लाइकली एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन है और प्राइस इज स्ट्रगलिंग टू ओवरकम 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 128.63 का लेवल है। ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 137 विच इज़ अ कंजर्वेटिव स्टॉप आउट एंड एग्रेसिव स्टॉप आउट लेवल इज अराउंड द 131 रुपी। और लोअर साइड पे अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है बिलो द 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो फर्दर ड्रॉप हम देख सकते हैं टुवर्ड्स 124.95 का लेवल, 121.20 एंड 118.65 एंड फाइनली टुवर्ड्स द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 115.62 का एरिया। तो ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर में जो अगर हम देखें तो प्राइस इज मूविंग विद अ साइडवेज बिहेवियर और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें, और लोअर साइड पे ब्रेकआउट अगर करती है प्राइस लोअर साइड मूवमेंट में 124.95 का लेवल तो फर्दर प्राइस में एक शार्प ड्रॉप देखा जा सकता है। फ्लिप साइड पे प्राइस अगर ब्रीच करती है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को और अपसाइड कंसोलिडेशन शुरू करती है इस टाइप में तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं हम। तो करंटली जो 131.50 के लेवल का स्टॉप आउट रख के सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।